ब्रेक से पहले हम लोग वीलैंस डिस्कस कर रहे थे कि वीलैंस क्या है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्या, उसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ पे कब यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। ये थोड़ी सी फिर प्रैक्टिकल वर्किंग हम देखेंगे लैब के अंदर के हम स्विच के ऊपर वीलैंस को क्रिएट करके पोर्ट्स को उसके अंदर हिस्सा बना के तो फिर उनके नेटवर्क डिफरेंट करके उनकी कम्युनिकेशन को आएंगे अपने अपने नेटवर्क के अंदर। तो ये चीज़ें हम सब इस लैब के अंदर है प्रैक्टिकली उनको भी वो देखेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जो कि स्विचिंग के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पैनिंग ट्री का। स्पैनिंग ट्री क्या है, उसकी पहले बैकग्राउंड देखते हैं और फिर उसको समझते हैं कि ये चीज़ स्पैनिंग ट्री के साथ किस तरह से वो मैनेज होगी। आई सपोज हमारे पास डिवाइसेस होती हैं तो हम इस स्विच को लेट्स सपोज के हमने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ स्विचेस को आपस में या मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आपस में मिलाते थे, ठीक है। नेटवर्क का साइज जब एक्सपेंड होता था तो हम क्या करते थे, एक और स्विच लेके आते थे और स्विच को पहले वाले स्विच के साथ मिला देते थे, तो वो दो तीन मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर बड़ा नेटवर्क अगर होता था तो उनको आपस में मिलाते थे तो वो एक नेटवर्क बन जाता था। तो स्विचेस को जब आपस में मिलाते थे सिंगल लिंक के साथ तो बाज़ अवकात उस लिंक प्रॉब्लम कर जाता था, वो किसी वजह से लिंक खराब हो गया, वो किसी वजह से केबल कनेक्ट नहीं हुई सही तरीके से या कोई और मसला हुआ। तो अगर एक ही लिंक होगा एक स्विच से एक सेग स्विच दूसरे स्विच के साथ, तो एक लिंक अगर प्रॉब्लम कर गया, खराब हो गया, कोई मसला कर गया, तो आपकी जो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाती है। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या सोचा, उन्होंने कहा कि यार एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट अगर करना है सिंगल लिंक के साथ, ये देखना एक स्विच है और एक और स्विच है, ठीक है, इसको इसके साथ आपने लिंक किया और ये अगर किसी वजह से लिंक टूट जाता है, ये वायर ख़राब हो गई, कनेक्टर ख़राब हो गया या कोई भी मसला हो गया, तो दोनों स्विचेस के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो रुक जाएगी। दो स्विचेस के दरमियान एक ही लिंक बना के आप जब कम्युनिकेशन करेंगे तो इशू आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, रिडंडेंस जो है ना वो लिंक यूज़ किए, रिडंडेंसी दे दी कि एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ बजाय इसके कि सिंगल लिंक के साथ आप बनाएं सिंगल पॉइंट फेलियर की बजाय आप दो लिंक के साथ उसको जोड़ दें। आपने एक और लिंक के साथ इसको ऐसे जो है ना जोड़ दिया। उन्होंने कहा जी एक पोर्ट अगर डाउन हो जाएगी तो हमारे पास दूसरा भी लिंक मौजूद होगा तो उसके ऊपर से ट्रैफिक वो जा सकती है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन स्विचेस के साथ जब ये चीज़ें आपने की तो स्विचेस का तो बिहेवियर ये है कि इसके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग जब होगी तो ये रिडंडेंसी, ये रिडंडेंट लिंक, ये मल्टीपल या डुअल लिंक वहाँ पे प्रॉब्लम करते थे। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, लेट्स सपोज ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। अब स्विच यहाँ पे ए के ऊपर एक सिस्टम लगा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है, लेट्स सपोज ये एक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और वो उसने क्या किया है, उस स्विच ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज या मल्टीकास्ट अगर करेगा तो स्विच क्या करेगा, मल्टीकास्ट की रिक्वेस्ट को भी ब्रॉडकास्ट के अंदर भेज देगा। उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है तो स्विच ने क्या किया है, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे की सारी पोर्ट से डाटा क्या करेगा, वो बाहर भेजेगा। इस पोर्ट से वो क्या कहेगा कि मेरे साथ एक और स्विच लगा हुआ है और उस स्विच के ऊपर भी जो ट्रैफिक है वो जानी चाहिए। तो ये ब्रॉडकास्ट की जो ट्रैफिक है यहाँ से इसके ऊपर आई, यहाँ तक इन पोर्ट्स के ऊपर गई और इस पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कहाँ पे आ जाएगी, इस पोर्ट के ऊपर वापस आ जाएगी उसी स्विच के ऊपर। अब इस पोर्ट की बजाय
इस पोर्ट से वो रिसीव हुई है और ब्रॉडकास्ट की ट्रैफिक है वो इन पोर्ट से वापस जाएगी और इस पोर्ट से दोबारा इधर भी वो पॉप अप हो जाएगी, वो ट्रैवल करती है, यहाँ पे आएगी तो ये वाला स्विच उसको दूसरी साइड के ऊपर भेज देगा, वो स्विच इधर भेज देगा। इस लिंक की वजह से आप देखें तो आपके पास एक लूप बन गया, आपकी जो ट्रैफिक है वो ऐसे वो घूमना शुरू हो जाएगी, वो लूप के अंदर आ गई। और लूप क्या है? फॉर एवर है, इसकी टर्मिनेशन नहीं है। एक स्विच ट्रैफिक को दूसरी साइड के ऊपर भेजता है, वो उसको इधर भेज देता है, ये वाली ट्रैफिक फिर लगती है कि उधर से शायद वो नहीं गई, वो उधर ही वापस वगैरह भेजेगा, तो ये आपके पास एक लूप की सूरत बन जाएगी। अब रिडंडेंस लिंक आपने लगाए थे रिकवरी के लिए, बैकअप प्लान के लिए, कि एक लिंक फेलियर होता है तो दूसरा लिंक क्या होगा, वो मौजूद होगा, ट्रैफिक उसके ऊपर से मूव कर सकती है। डिसकनेक्टिविटी के इशू को ख़त्म किया था बेसिकली हमने, लेकिन स्विच के अंदर जो बिहेवियर था ब्रॉडकास्टिंग वाला, उसकी वजह से वो लूप के अंदर ट्रैफिक आ जाएगी। अब लूप के अंदर जब ट्रैफिक फंसेगी तो उसका एक ही हल है कि स्विच को दोनों को बंद करें और फिर चलाएं, और फिर अगर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आ जाएगी तो जब भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इसके ऊपर मूव करेगी ये ऐसे ही लूप के अंदर आ जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है, बार बार स्विचेस तो बंद नहीं किए जा सकते। तो इस पॉइंट को, इस चीज को फिर उसने रिमूव किया, इसके लिए उसने फिर हल निकाला कि रिडंडेंस लिंक्स, रिडंडेंसी भी देनी है, वे भी जरूरी है कि हमें एक लिंक सिंगल पॉइंट फेलियर की बजाय एक से ज्यादा लिंक्स रखने हैं, लेकिन उसके ऊपर लूप भी जो है ना वो नहीं बनना चाहिए, लूप फ्री ट्रैफिक आए और उसके ऊपर हमें फैसिलिटीज भी मिले, इश्यूज भी ना रहे। इस सारे सिनेरियो के अंदर उसने फिर जो आपको सोल्यूशन दिया वो था स्पैनिंग ट्री का, जो इसके बाद फिर जो कंसेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया वो था स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP, ठीक है, इसको STP भी बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है? रिडंडेंस लिंक्स के बावजूद रिडंडेंसी लिंक रखता है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका जो लूप है वो क्रिएट नहीं होने देता। कैसे, किस तरह से, इसकी वर्किंग कैसे है उसको समझते हैं। अब STP क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है इसको समझते हैं, कि फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल स्पैनिंग ट्री से वो चीज़ें हमें वो मिल रही हैं। तो मैनेजेबल स्विचेस के ऊपर तो ये शायद, ये नॉन मैनेजेबल के ऊपर तो शायद ये स्पैनिंग ट्री की फंक्शनलिटी अवेलेबल ही ना हो। तो ये चीज़ भी आपको कहाँ पे मिलेगी? अच्छे स्विचेस के ऊपर मिलेगी। अच्छे स्विचेस के अंदर जो मैनेजेबल स्विचेज हैं, जो अच्छे स्विचेज हैं, एक तो वी लैंड की उसके ऊपर सपोर्ट होनी चाहिए, दूसरा स्पैनिंग ट्री अनेबल होना चाहिए। स्पैनेट्री प्रोटोकॉल अगर उसके ऊपर नहीं है तो फिर आप रिडंडेंसी उसके अंदर देंगे तो वो तो प्रॉब्लम करेगा, तो स्पैनेट्री की सपोर्ट उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। स्पैनेट्री किस तरह से काम करता है इसको हम थोड़ा सा अभी देखते हैं। इसके लिए मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं उन स्लाइड्स को आपके साथ शेयर करता हूँ और उन स्लाइड्स के ऊपर फिर हम समझते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से हम जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री है वो किस तरह से वर्क करेगी। इसके अंदर एक स्विच के ऊपर या मल्टीपल स्विचेज हैं, हो सकता है 3 4 5 स्विचेज आपने लगाए हो, तो एक स्विच को वो फिर रूट स्विच या रूट ब्रिज का नाम देता है। बेसिकली ये ब्रिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अब ब्रिजेस यूज नहीं होते, हम स्विचेज यूज करते हैं, तो स्विचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन टर्म ब्रिज की यूज होती है, ठीक है। तो ब्रिज ये स्विच है, बात एक ही है, सेम लेयर के ऊपर काम करते हैं, लिहाजा हम वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल जो बात कर रहा है स्विचेस के बावजूद वो ब्रिजेस का लफ्ज़ यूज करता है, तो कोई बात नहीं, हम उसको ब्रिजेस के तौर पे ले लेंगे। हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है।
अभी मैं आपको दो स्विचेस के साथ चीजों को बताऊंगा। एग्जांपल हम जो प्रैक्टिकली देखेंगे वो दो स्विचेस के साथ देखेंगे, फिर अगर आपको उसकी अगर समझ आ जाती है तो फिर आप बाकी जो स्विचेस हैं उनके ऊपर भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। पहले छोटे सिनेरियो के साथ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम ये है कि एक ब्रिज आपने एक सेगमेंट के साथ लगाया हुआ है, दूसरा ब्रिज दूसरे सेगमेंट के साथ लगा हुआ है, तो दो डिफरेंट सेगमेंट्स को या दो स्विचेस को आपस में आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक दूसरे सेगमेंट के ऊपर जाएगी, उधर से इधर आएगी, ये वाला ब्रिज दूसरी साइड के ऊपर भेजेगा, उधर से ट्रैफिक इधर, इधर से उधर। आप ऐसा समझ लें कि एक रूम के अंदर दो दरवाजे हैं और दूसरी साइड के ऊपर भी दो दरवाजे हैं, तो एक दरवाजे से आप रूम के अंदर गए दूसरे रूम के अंदर, उधर से आपने देखा कि ये दरवाजा कहाँ पे जा रहा है, वो पहले रूम के अंदर खुल रहा है, उधर से आप फिर आ गए पहले रूम के अंदर, उधर से आपने कहा कि यार इस दरवाजे से तो मैं गया था रूम टू के ऊपर, टू के ऊपर जाएंगे उधर से दूसरे दरवाजे से फिर घूम के आप रूम बन गए, तो आप ऐसे ही आप लूप के अंदर फंस जाएंगे। तो इसको चार अगर दरवाजे हैं तो चार में से एक दरवाजे को अगर आप क्लोज कर दें तो आपका जो आना जाना है, जो लूप है, वो खत्म हो जाएगा। अब चारों में से चार रास्ते उसके जो पाथ बन रहे हैं उसमें से एक कौन सा बंद होगा या वो किस तरह से वर्किंग होगी, ये सारे का सारा उसके अंदर एक इलेक्शन प्रोसेस है। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम था। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या करता है, ये वो प्रॉब्लम है जो उसने बताया कि सपोज होस्ट बी हैज नॉट सेंड एनी पैकेट, सो नाइदर ब्रिज नो टू स्विच विच सेगमेंट होस्ट बी इज कनेक्टेड, नाउ कंसिडर दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, होस्ट ए सेंड अ पैकेट टू होस्ट बी ऑन द ब्रिज से ब्रिज वन रिसीव द पैकेट फर्स्ट एंड नॉट नोइंग वेयर स्विच बी इज फॉरवर्डिंग द पैकेट टू सेगमेंट टू, द पैकेट गोज टू इट्स डेस्टिनेशन बट द सेम टाइम ब्रिज टू रिसीव द पैकेट वाया सेगमेंट टू, दस पैकेट सोर्स एड्रेस ए इज होस्ट ए, इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस इज होस्ट बी, ब्रिज टू एनोमिनियसली अश्योर या अज्यूम दैट होस्ट ए इज कनेक्टेड टू सेगमेंट टू एंड अपडेट्स इज टेबल अकॉर्डिंगली बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट होस्ट बी। ये वही चीज बता रहा है कि दूसरे को पता नहीं है, वो उसको पैकेट भेज देगा, वो चीज घूम के फिर आ जाएगी कि मैंने तो ये चीज उधर भेजी थी, इसका मतलब है ये वहां पे नहीं गई, तो वो तो दूसरी साइड के ऊपर भिजवा रहा है, दूसरी साइड वाला पहले को भिजवा रहा है, इस तरीके से वो लूप के अंदर चीजें फंस जाएंगी। तो इसका हल फिर क्या था, इस सिचुएशन को फिर जब उसने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया तो वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ किया। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा, उसमें कुछ चीजें जो ना परफॉर्म होंगी, उसमें एक इलेक्शन होगा और उसके अंदर इलेक्शन के अंदर क्या चीजें होंगी, एक हर एक स्विच की एक आईडी है, मल्टीपल जो स्विचेज हैं उनके ऊपर उनको एक एक आईडी असाइन की जाती है, क्योंकि अब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के अंदर हर एक स्विच पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी आईडी कम होगी वो इलेक्शन विन करेगा, और अगर सेम आईडी है तो फिर उनकी पोर्ट नंबर के ऊपर देखेंगे, और सेम अगर सेगमेंट की स्पीड है और पोर्ट नंबर डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं जाके वो टाई खत्म होगी, सेम स्पीड है तब भी फिर हम देखेंगे कि पोर्ट नंबर, अब पोर्ट नंबर अगर वन है और दूसरी साइड के ऊपर पोर्ट नंबर टू है तो वहां पे जाके फिर क्या होगा कि वो टाई खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, उसकी आईडी को खुद से मैनेज कर रहा होता है, जिसको उसने ब्रिज बनाना होता है, रूट ब्रिज बनाना होता है, उसकी आईडी काम रख देता है। तो ये अगर अच्छे वाला एक तगड़ा वाला स्विच है और आप चाहते हैं कि इलेक्शन के अंदर यही विन करे, तो आप उसकी आईडी को चेंज करके काम कर दें, या उसको थोड़ी देर पहले ऑन करें, बाकियों को बाद में ऑन करें इलेक्शन के प्रोसेस तक, वो खुद ही अकेला ही होगा तो नॉमिनेट हो जाएगा, तो ऐसे भी हो सकता है, उसके अंदर इलेक्शन प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में एक जो ब्रिज है वो सबसे पहले रूट सिलेक्ट होगा और बाकी क्या होंगे वो डेजिग्नेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब दो स्विचेस के अंदर जिसकी आईडी कम होगी वो सिलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज, दूसरा क्या हो जाएगा अदर हो जाएगा, ठीक है, या डेजिग्नेटेड हो जाएगा। एन आईडी नंबर इज असाइंड टू ईच ब्रिज, एन आईडी नंबर कैन बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर
determined by the network manager are the address of one of the ports, normally the smallest one. Jiski kam hogi, wo kya karega? Win karega. Each port is assigned a cost. Har ek port ke upar assigned cost hoti hai, jaise 10 Mbps hai, 100 Mbps hai, 1 gigabit jo hai na wo speed hai. Normally, the cost is determined by the bit rate exposed by the port. The higher the bit rate, the lower the cost. Zahiri baat hai, ek 10 Mbps ki port hai aur 100 Mbps ki port hai, to 100 Mbps ki port ko priority zyada milegi kyunki uske upar cost kam niklegi. The process of finding the spanning tree can be summarized in three steps. तीन स्टेप्स के अंदर ये चीजें जो है ना वो मुकम्मल हो जाएंगी और ये बड़े क्विकली परफॉर्म होगा. चंद सेकंड्स के अंदर ये चीजें मुकम्मल हो जाती हैं. द ब्रिजेस चूज अ ब्रिज टू बी द रूट ऑफ द ट्री. पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर एक स्विच को रूट सेलेक्ट करना है. अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि उनके ऊपर असाइन जो आईडीज हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. जिसकी आईडी कम होगी वो क्या हो जाएगा? रूट सेलेक्ट हो जाएगा. दिस इज डन बाय असाइनिंग एन आईडी टू द ब्रिज एंड देन फाइंडिंग द ब्रिज विद द स्मॉलेस्ट आईडी. ईच ब्रिज डिटरमिन इट्स रूट पोर्ट. अब उसके ऊपर जब रूट सेलेक्ट हो जाएगा तो हर ये एक रूट पूरे नेटवर्क के ऊपर होगा. पर नेटवर्क एक रूट सेलेक्ट होगा. ईच ब्रिज डिटरमिन इट्स रूट पोर्ट. द पोर्ट दैट हैज द लीस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू द रूट. The root path cost is the accumulated cost of the path from the port to the root. अब हर एक ब्रिज के ऊपर जो दूसरे होंगे उनके ऊपर एक पोर्ट क्या होगी? वो रूट पोर्ट होगी. जो रूट तक लेके जाएगी वो रूट पोर्ट कहलाएगी. अब अगर एक से ज्यादा पोर्ट्स हैं तो क्या होंगी? जिसकी कॉस्ट कम है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी. अब जिसकी कॉस्ट सेम है, दोनों साइड से सेम है, तो फिर जिसका नंबर कम है वो सिलेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो नंबर के ऊपर फिर चीजें जो है ना हो जाएगी. वन डेजिग्नेटेड ब्रिज इज चूजन फॉर ईच सेगमेंट. एक डेजिग्नेटेड ब्रिज चूज होगा एक सेगमेंट के लिए. अब एक ही सेगमेंट के ऊपर डेजिग्नेटेड एक रूट हो गया, दूसरा क्या होगा? डेजिग्नेटेड हो जाएगा. अगर एक से ज्यादा है तो फिर हर सेगमेंट के लिए एक डेजिग्नेटेड ब्रिज चूज होगा जो रूट के बाद डेजिग्नेटेड होगा. अगर रूट डाउन हो जाता है तो फौरी तौर के ऊपर रूट का काम करेगा. अच्छा जी, फाइंडिंग द रूट ब्रिज. व्हेन अ ब्रिज रिसीव एंड ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बीपीडीयू. अब हर दो सेकंड के बाद या स्टार्ट के ऊपर जब ब्रिजेस स्टार्ट होंगे, जब स्विचेस ऑन होंगे, तो आपस में क्या एक्सचेंज करेंगे? मैसेजेस. अब वो मैसेजेस जब एक्सचेंज होंगे तो वो बीपीडीयू की फॉर्म के अंदर जाएगा, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसमें हर एक स्विच अपनी अपनी आईडी दूसरे के साथ शेयर करेगा. इट कंपेयर्स द सोर्स ब्रिज आईडी विद इट्स ओन आईडी. इफ इट्स ओन आईडी इज लार्जर देन द सोर्स ब्रिज आईडी, इट इंक्रीमेंट द रूट पाथ कॉस्ट बाय द कॉस्ट ऑफ द रिसीविंग पोर्ट फॉरवर्ड द फ्रेम. इट ऑल्सो स्टॉप सेंडिंग इट्स ओन बीपीडीयू बिकॉज इट्स नो दैट इट विल नॉट बी चूजन एज अ रूट ब्रिज. Another bridge has a lower ID. Let's suppose मेरे पास एक ID 100 की है, दूसरे के पास 200 की है. मैंने अपनी 100 की ID उसको भेजी, उसने मुझे भेजी. तो मुझे जब 200 की ID receive होगी तो मैं election से automatically बाहर हो जाऊंगा कि मेरे से एक और ब्रिज कम ID वाला है, तो मैं election के अंदर process में selection नहीं हो सकती. Obviously 100 वाला जो है ना वो विन करेगा. तो अगर एक दो से ज्यादा है तो फिर वो आपस में अपनी अपनी ID एक्सचेंज करेंगे और उनको सबको पता चल जाएगा कि फिर लोएस्ट आईडी किसकी है. जिसकी लोएस्ट आईडी होगी वो डिक्लेयर हो जाएगा एज अ रूट. इट इज ऑबवियस ऑबवियस दैट आफ्टर अ व्हाइल द ओनली बीपीडीयू दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड सर्कुलेटेड इज वन विद द स्मॉलेस्ट सोर्स ब्रिज आईडी द रूट ब्रिज. इन दिस वे एवरी ब्रिज नोन विच इज द रूट ब्रिज. हर एक को पता चल जाएगा बाद में कि किस कौन सा रूट ब्रिज है. ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे. फिर फाइंडिंग द रूट पोर्ट. द रूट पोर्ट इज अ पोर्ट हूज बीपीडीयू हैज द मिनिमम अकम्युलेटेड रूट कॉस्ट. चूजिंग द डेजिग्नेटेड ब्रिज. द ब्रिज दैट कैन कैरी अ फ्रेम फ्रॉम द सेगमेंट टू द रूट विद द चीपेस्ट रूट पोर्ट रूट कॉस्ट इज सेलेक्टेड एज द डेजिग्नेटेड ब्रिज एंड द पर्टिकुलर पोर्ट दैट कनेक्टेड टू द ब्रिज सो दैट सेगमेंट इज कॉल्ड अ डेजिग्नेटेड पोर्ट. फॉर्मिंग द स्पैनिंग ट्री.
पोर्ट्स ऑफ द ब्रिज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स द फॉरवर्डिंग पोर्ट आर द रूट पोर्ट एंड ऑल ऑफ द डेजिग्नेटेड पोर्ट्स द रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी ब्लॉक पोर्ट। वो चार पोर्ट्स में से एक पोर्ट ब्लॉक होगी तभी जाके वो क्या होगा लूप रुकेगा, लूप की वर्किंग स्टॉप होगी, वो पैकेट घूमना बंद होगा। अब वो चारों में से कौन सी होगी इसको हम एक सिनेरियो के साथ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बड़ा सिनेरियो है, इसकी बजाय मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो जो है ना वो देता हूँ, पहले आप उसको समझें उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इस बड़े वाले सिनेरियो को भी समझेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास एक सेगमेंट है, लेट्स सपोज ये सेगमेंट सेगमेंट वन ए और ये सेगमेंट बी, ठीक है। ये आपने उसको दोनों साइड से आपने कनेक्ट कर दिया, ये स्विच ए है ये स्विच बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, ये भी पोर्ट है और ये भी पोर्ट है। लेट्स सपोज हम थोड़ा सा समझने के लिए इनको जो है ना वो हम असाइन करते हैं, इसकी आईडी 100 है और इसकी इसके 200। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद ही इनको आईडी असाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये 200 वाली आईडी है, इसकी आईडी 200। तो जाहिर बात है जब ये इसके बीपीडीयू अपना शेयर करेगा और ये इसके साथ आईडी शेयर करेगा तो इलेक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो गया एज अ रूट ब्रिज, पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर एक रूट ब्रिज जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये रूट हो गया है, लेट्स सपोज मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ये रूट है तो ये क्या है, अब एक नेटवर्क के ऊपर एक रूट है, दूसरा एक ही स्विच है, तो वो क्या है डेजिग्नेटेड है, ये डेजिग्नेटेड, ठीक है, डीआर कह लें इसको, और वो रूट है। अब रूट के ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो क्या है और डेजिग्नेटेड के ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो क्या है। डेजिग्नेटेड के ऊपर डेजिग्नेटेड जो रूट है जो अदर बना इसके ऊपर जो पोर्ट्स हैं ये आपको क्या लेके जा रही हैं, ये रूट की तरफ लेके जा रही है, ऐसे ही है। अब दोनों साइड से आप रूट तक पहुंच सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, ये रूट पोर्ट आ जाएगी, ठीक है। अब रूट पोर्ट के ऊपर जो है ना वो आपकी जो कॉस्ट है वो देखी जाएगी कि इधर से कितनी कॉस्ट है। लेट्स सपोज ये 100 का नेटवर्क है, ये 10 का नेटवर्क है, 100 Mbps और 10 Mbps, अगर ये दो डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट्स हैं तो फिर हमारा प्रोसेस सेम इजीली हो जाएगा, हम इलेक्शन जल्दी से उसको जो है ना देख सकते हैं। अगर ये सेम स्पीड का होता तो फिर पोर्ट नंबर होती, इसका नंबर कुछ और होता इसका नंबर कुछ और होता, तो वो सेम नंबर तो नहीं होते, जिसका नंबर कम होता वो सिलेक्ट हो जाता। ऑब्वियसली ये 100 के ऊपर है जा रही है, तो ये वाली जो पोर्ट है वो क्या है, ये रूट पोर्ट है, आरपी रूट पोर्ट, ये वाली यहां से रूट की तरफ लेके जा रही है तो ये रूट पोर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड बेहतर है तो हम जल्दी से रूट तक पहुंच जाएंगे। तो ये रूट के ऊपर जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पोर्ट आएगी जो रूट तक जाएगी। अब रूट ब्रिज के ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो दो हैं जो डेजिग्नेटेड की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों पोर्ट्स जो है ना वो यूज होंगी, एक सेगमेंट वाया इस साइड से और एक सेगमेंट बी की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों की दोनों जो है ना वो जो डेजिग्नेटेड की तरफ जा रही हैं दो डिफरेंट रस्तों के साथ, उसके ऊपर ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये डीपी है, ये भी डीपी है, डेजिग्नेटेड पोर्ट जो डीपी की तरफ आपको लेके जा रही है वाया सेगमेंट ए और वाया सेगमेंट बी। अगर यहाँ पे एक एक पोर्ट और होती तो फिर उनके अंदर एक ही सिलेक्ट होते, तो ये एक सेगमेंट के साथ एक पोर्ट सिलेक्ट है, तो लिहाजा ये क्या हुआ है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाई है जो आपको डेजिग्नेटेड की तरफ डी आर की तरफ लेके जा रही है। अब डेजिग्नेटेड जो ब्रिज था या डेजिग्नेटेड रूट था उसके ऊपर एक पोर्ट जो बच गई है वो पोर्ट क्या होगी, ब्लॉक पोर्ट होगी। अब इस पोर्ट को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो अब जो जो रूट के ऊपर जब जाएगी तो रूट उसको इधर भेजेगा, तो ब्लॉक पोर्ट से वो ट्रैफिक क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो वो दूसरी साइड के ऊपर फिर वो जब ट्रैफिक नहीं जाएगी तो वहां से फिर क्या हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। तो स्पैनिश ट्री प्रोटोकॉल ने एक इलेक्शन प्रोसेस के साथ
एक रूट ब्रिज को सिलेक्ट किया पहले, फिर एक डेजिग्नेटेड रूट बनेगा, उनके ऊपर रूट के ऊपर डेजिग्नेटेड की तरफ जाने वाले पर सेगमेंट के ऊपर डेजिग्नेटेड कोड निकलेगी, और डेजिग्नेटेड जो ब्रिज होता है उसके ऊपर एक पोर्ट बनती है जो रूट तक लेके जाएगी, जिसकी कॉस्ट अच्छी है या जिसका नंबर कम है, तो एक पोर्ट रूट पोर्ट कहलाएगी जो रूट तक लेके जा रही है, और जो बाकी जो पोर्ट्स होंगी वो ब्लॉक के अंदर होंगी। तो चार पोर्ट्स हैं, दो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आ गई रूट के ऊपर, और एक रूट पोर्ट आ गई डेजिग्नेटेड के ऊपर, और डेजिग्नेटेड के ऊपर जो पोर्ट बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक पोर्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी अगर एक से ज़्यादा स्विचेज अगर लगे हुए हैं तो आप उनके ऊपर भी चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़े से वो कम्प्लेक्स सिनेरियो की तरफ के, जिसके अंदर आप चीज़ों को जो है ना वो देख रहे थे कि जिसमें उस एग्जांपल के अंदर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल थी, थोड़ा सा सिनेरियो टफ था। मैंने उसको बाद में रखा कि पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरह से चीज़ें जो है ना वो होती हैं। अब आप उस कम्प्लेक्स सिनेरियो के अंदर भी जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर उसने क्या चीज़ें की हैं। ये देखें, इसमें मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। अब उसकी आईडी 100 है, उसकी 100 है, सबकी 100 है, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर कौन सा सिलेक्ट होगा, जिसकी आईडी कम है, और अगर आईडी सेम है तो फिर जिसकी स्पीड जो है ना वो बेहतर है, अगर स्पीड भी एक जैसी है तो फिर जिसकी पोर्ट कम है, पोर्ट नंबर जिसका कम है। तो इलेक्शन के नतीजे में आपने, आपके पास ये क्या हो गया, ये रूट सिलेक्ट हो गया। अब रूट के ऊपर रूट दो सेगमेंट के साथ कनेक्ट है जिसके ऊपर डेजिग्नेटेड की तरफ जा सकते हैं, तो आपने क्या किया, दोनों साइड के ऊपर क्या होगा, उसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट आ गई। अब डेजिग्नेटेड जो ब्रिज था उसके ऊपर रूट की तरफ जाने वाला जो रास्ता होगा वो रूट पोर्ट होगा, जो रूट तक लेके जाएगा। देखिए, हर एक डेजिग्नेटेड के ऊपर एक एक पोर्ट रूट पोर्ट की कहलाती है, जो आपको रूट तक ले जाती है, और बाकी जो पोर्ट्स होंगी वो फिर जो बच जाएंगी उनको आप ब्लॉक पोर्ट के अंदर जो है ना वो ले जाएंगे। तो उसके साथ फिर आपका जो ये लूप वाला कंसेप्ट होता है ये ख़त्म हो जाता है, फिर आपका जो लूप है वो नहीं बचता। तो इस तरीके से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने आपको रिडंडेंस लिंक के ऊपर जो लूप वाली फंक्शनैलिटी आपकी शुरू हो गई थी उसको लूप फ्री कर दिया, और ट्रैफिक आपकी, यूज़र की ट्रैफिक जाएगी, और अगर किसी वजह से जो रूट है वो काम करना बंद कर गया तो जो डेजिग्नेटेड रूट होगा वो फौरी तौर पे एज अ रूट काम कर रहा होगा और वर्किंग उसके थ्रू जो ना हो रही होगी। और ये बड़ा थोड़े से टाइम के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, और इस पर कोई ऐसा जो है ना बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं होती, ठीक है। तो ये था जी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और इस पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लें, उसको हम नेक्स्ट में आप वो चीज़ों को जो है ना वो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अभी सेशन हमारा ये भी एंड होने लगा है। आज के लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक VLANs को और एक स्पैनिंग ट्री को। आप इसको जाके अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा उसको नोट कर लें, और उसको नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप चीज़ों को वो क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है जी? ओके सर जी। अटेंडेंस यहाँ से अपनी आपने मार्क करनी है, अगर अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो वो आपकी जो है ना वो फिर लेक्चर रह जाएगा। तो अटेंडेंस आप लोगों ने खुद ही मार्क कर लेनी है, और अफाक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, मैं उसका ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगा जिसमें आपने रिकॉर्डिंग को जो है ना वो अपलोड करना। ओके सर, मैं आप जी। तो इसको कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अगर कोई सवाल हो तो उसको आप नोट कर लें, और उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अभी मेरा ख्याल है कि टाइम है हमारे पास, ये मीटिंग कब एंड होनी है सर? 9 मिनट 40 9 मिनट। जी जी, किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं आप लेक्चर के हवाले से, अगर किसी का कोई
सवाल है जो कि चीज़ पूछनी है वो अभी पूछ लें, बाकी जो चीज़ें आप पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त अगर कोई चीज़ क्वेश्चन अगर कोई रह गया तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछ सकते हैं। आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वीलैंस के हवाले से और स्पैनिश ट्री के हवाले से, उसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अभी भी आप पूछ सकते हैं, अभी है हमारे पास कुछ टाइम है, 7-8 मिनट है, इसमें आपके क्वेश्चन जो है ना वो मैं लेता हूँ। जी एनी क्वेश्चन आज के लेक्चर के हवाले से? नो सर। चीज़ें क्लियर है? ये स्विचिंग के कुछ टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब काम कर रहा होता है तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। स्पैनिंग ट्री की सपोर्ट मौजूद होती है, आपने जस्ट स्पैनिंग ट्री के प्रोटोकॉल को अनेबल करना होता है, और बाय डिफॉल्ट मैनेजेबल स्विचेस के अंदर स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल अनेबल होता है, करने की भी जरूरत नहीं होती, अनेबल होता है। आपको सिर्फ पता हो कि आपने अगर रिडंडेंट लिंक्स लगाए हैं तो इसके अंदर लूप्स नहीं बनेंगे, और लूप्स क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है उस चीज़ों को आपने डिटेल के साथ समझा, देखा, पढ़ा है, और आपके जेहन के अंदर ये चीज़ें अब आ गई कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस तरह से लूप फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यस सर। जी एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।